आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मोहन भागवत की सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो तैनात किए जा सकते हैं। भागवत की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। फिलहाल मोहन भागवत को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। तो मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। आरएसएस के सर संघ चालक हैं मोहन भागवत और इनकी सुरक्षा को लेकर अब और पुख्ता करने की तैयारी हो रही है। सूत्रों से ये खबर हमें मिल रही है। तो भागवत की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया था और उस इनपुट पर गौर करने के बाद विचार करने के बाद ही ये फैसला लिया गया। फिलहाल जेड प्लस की सुरक्षा ऑलरेडी है मोहन भागवत के पास, लेकिन अब उन्हें इससे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे की बात बताते हुए जो इनपुट दिया था उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ाने पर विचार हुआ और अब ये सूत्र बता रहे हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। जेड प्लस से आगे उनको सुरक्षा दी जाएगी और जल्द ही ऐसा होगा। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की मोहन भागवत की सुरक्षा से जुड़ी हुई। ब्लैक कैट कमांडो तैनात किए जा सकते हैं उनकी सुरक्षा में। जेड प्लस की सुरक्षा है फिलहाल, लेकिन ब्लैक कैट कमांडोज भी अब उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियों को कहीं ना कहीं इस तरह की जानकारी मिली थी, जो इनपुट उन्होंने दिया था उसी के आधार पर अब ये महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है सरकार। और इसे लेकर हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सूत्र जो है वो यही बता रहे हैं गृह मंत्रालय के कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी मोहन भागवत की। इधर जम्मू के रतनू चक मिलिट्री स्टेशन पर बीती रात 1:50 पर फायरिंग हुई है। संदिग्धों को देखकर गार्ड ने उन्हें वार्निंग दी, लेकिन संदिग्ध नहीं रुके। रतनू चक मिलिट्री स्टेशन पर संदिग्धों के नहीं रुकने पर गार्ड ने वार्निंग फायरिंग की। दोनों संदिग्धों ने भी जवाब में गार्ड पर फायरिंग की। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। तो रात लगभग 1:45 के आसपास ये फायरिंग हुई है रतनू चक मिलिट्री स्टेशन पर। संदिग्ध दिखाई दिए, लेकिन जब वो नहीं रुके तो उसके बाद उन पर फायरिंग की गई।